हेलो एंड वेलकम टू डेली एक्सप्रेस। अनुपमा में आने वाला है अपकमिंग ट्विस्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अनुपमा वनराज माया बरखा सभी की चाल कामयाब होती हुई देख चुकी है और आखिरी में एकदम अकेली पड़ चुकी है। अब अनुपमा ने डिसाइड किया है कि वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएगी, ना ही अपने बच्चों के लिए, ना ही किसी और के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? वेल, आया एक कॉल अनुज का जिसमें अनुज ने करी बड़ी बात और बदल गई अनुपमा की ज़िंदगी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि अनुपमा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हो चुका है क्योंकि अब अनुज ने फाइनली बोल दिया है अनुपमा को कि मैं नहीं आऊँगा वापस, मैं यहीं छोटी अनु के पास रहूँगा और माया भी हमारे साथ ही रहेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। अनुज ने कहा अनुपमा से कि छोटी अनु है मेरी प्रायोरिटी, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा अनुपमा, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मैं अहमदाबाद वापस नहीं आऊंगा, तुम वहीं रहोगी, मैं यहाँ माया और छोटी अनु के साथ मुंबई में ही रहूंगा क्योंकि मैं अपनी बच्ची छोटी अनु के साथ ही रहना चाहता हूँ। उड़ गए अनुपमा के होश और वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि वो अब क्या करे। वेल, हर तरफ सारे विलन्स ही खुश है, आप देख सकते हैं, माया, वनराज और बरखा। लेकिन आखिर अनुज ने ऐसा क्यों कहा, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दरअसल आपको बता दें कि माया ने कहा है अनुज से कि अगर वो छोड़ कर गया मुंबई तो वो मार देगी छोटी अनु को जान से, हमेशा हमेशा के लिए। सही सुना आपने, अनुज को उसने रोका ही ऐसे था, उसने अनु की तबीयत खराब कर दी थी और उसको हॉस्टल में एडमिट करवा के रखा था, जिसके बाद अनुज खुद वापस आ गया था। उसके बाद माया ने दी उसको सबसे बड़ी धमकी और कहा कि अगर तुम गए अनु के पास यानी अनुपमा के पास तो तुम अपनी इस अनु यानी छोटी अनु से हाथ धो बैठोगी। पहले दोस्तों इसके बाद अनुज क्या करता, वो डर गया और उसने डिसाइड किया कि अब उसे अनुपमा से अपने सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। वेल दोस्तों इसके बाद अनुपमा को मिल गई है उसकी मालती, फेमस डांसर, डांस गुरु, जो उसको अमेरिका ले जाने वाली है और वर्ल्ड क्लास डांसर बनाने वाली है, यानी शो में काफ़ी बेहतरीन लीप आने वाला है और अनुपमा का कमबैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये देखना काफ़ी अच्छा होगा कि अनुज अपनी ज़िंदगी में कहाँ होगा। आपको क्या लगता है, अपने व्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।